नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोटपुतली के ग्राम नरहेड़ा स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय की एक छात्र ने टीसी कटने से खफा होकर अपने ही गुरु को गोली मार दी। डीएसपी दिनेश यादव ने बताया कि दोपहर 1 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद स्कूल लेक्चर कायमपुरावास निवारी नटवर यादव बाइक द्वारा अपने घर जा रहा था। दूसरी बाइक पर स्कूल के पूर्व छात्र मोतीलाल व उसके एक साथी ने बाइक को नौरहेड़ा चिमनपुरा मार्ग पर लेक्चर की बाइक को ओवरटेक कर रुकवाया और नटवर यादव से मार्कशीट मांगी। बताया जा रहा है कि नटवर यादव ने कहा कि टीसी उसने नहीं काटी, स्कूल प्रशासन ने काटी है, इसको लेकर प्रिंसिपल मैडम से बात करो। इसी बात से गुस्साए छात्र मोतीलाल छावड़ी ने अचानक पिस्टल तान दी, जिससे लेक्चर घबरा गया। मोतीलाल ने चेतावनी देकर उसे सबक सिखाने की धमकी दी। उसने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जो लेक्चर के बाएं पैर की जांघ में लगी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइक से फरार हो गया। वारदात के बाद एएसपी रामकुमार कासवा की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने मौके मुआवना कर जांच शुरू कर दी। वहीं एएसपी रामकुमार कासवा, डीएसपी दिनेश कुमार यादव सहित सरवंट, कोटपुतली, प्रागपुरा, विपनियाला चार थानों की पुलिस आरोपियों को पकड़ने में सघनता से जुट गई और पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घटना के लगभग 5 घंटे बाद में ही दोनों आरोपियों को हरियाणा राज्य के नांगल चौधरी तहसील के नायन गांव की चिमा की ढाणी से निरुद्ध कर लिया। वहीं वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया, जिससे आरोपी भागे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नाबालिग निरुद्ध किया गया है, उसकी व्याख्या द्वारा टीसी काट के उसको घर भेज दिया था किसी उसके द्वारा बदमाश किए जाने पर। उसके लिए जो नाबालिग है उसमें मन में रोष था कि मेरी टीसी काटने के कारण मैं प्लस टू में पास नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें दूसरी जगह उसको काम करना पड़ा और अपनी क्लास में फेल हो गया। उसी के कारण उसने आज उस पर हमला किया और मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की।